नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आज एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार को सही ढंग से खारिज करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आदर्श पाल कौर और महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर हरमनदीप कौर ने कहा कि जिला मोहाली में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। विशेष रूप से समाचार में कहा गया था कि शहर के एक स्कूल के छात्रों में मंकी पॉक्स के कुछ सकारात्मक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि संबंधित समाचार पूरी तरह से निराधार और बिना तथ्यों के है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित स्कूल के 3 छात्रों में हाथ पैर और मुंह की बीमारी के कुछ लक्षण थे, जिनके नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गए थे। एक सैंपल की रिपोर्ट के मुताबिक एक छात्र को हाथ पैर और मुंह की बीमारी है, जबकि अन्य 2 सैंपल की रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। उन्होंने कहा, अभी तक देश में मंकी पॉक्स के 2 मामले हैं और राज्य में एक भी मामला सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने कहा कि हाथ पैर और मुंह की बीमारी आमतौर पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। मुख्य लक्षणों में मुंह में छाले और हाथ पैरों पर लाल चकत्ते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक स्वसमिति वायरल बीमारी है जो किसी भी तरह से बंदर की बीमारी से संबंधित नहीं है। मैं डॉक्टर आदर्श पाल कौर, सिविल सर्जन मोहाली, तुहानूं अज ये दसना चाहांगी कि प्रेस विच जो अज मंकी पॉक्स बारे खबर आई है वो बिल्कुल बेबुनियाद अते निराधार है। जिला मोहाली विच मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं होया ते ना ही सारे पंजाब विच होया। सो अफवाहों तो बचो। जो केस रिपोर्ट होया वह हाथ पैर अते मुँह की बीमारी का, जो कि एक सैल्फ लिमिटिंग टाइप की घातक बीमारी नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो फिर मैं आप नूं ये अपील करना चाहवांगी कि किसी भी तरह दीआं अफवाहां तों डरन ते घबराउण दी लोड़ नहीं है। तो फिर दसना चाहवांगी कि मंकी पॉक्स वर्गी कोई भी बीमारी पंजाब विच हजे रिपोर्ट नहीं हुई है। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।